यहां महामाया फ्लाईओवर पर कार से एक युवक को रौंदा गया है, बड़ी खबर आ रही है। जेट रोड का ये मामला बताया जा रहा है, कैमरे में ये दुर्घटना कैद हुई है। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, आईसीयू में भर्ती है ये युवक। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये देखिए, आप इस कार को देख सकते हैं और ये किस तरीके से बेकाबू होकर रफ्तार में आगे बढ़ गई, लेकिन इस दरमियान इसकी जद में एक शख्स आया है जो कि इस वक्त आईसीयू में है। सेक्टर 39 का ये पूरा मामला है। आप देखिए किस तरीके से ये कार सड़क के नीचे उतरती है और किसी को कुचलते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है। महामाया फ्लाईओवर के पास सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। आप देखिएगा, इस घेरे में एक कार आती है, रेड कार के पीछे ये व्हाइट कार आती है और ये सड़क से नीचे उतरकर किसी को कुचलते हुए बिना रुके तेजी से, आप सफेद शर्ट में एक शख्स को सड़क पर गिरता हुआ देखेंगे। अगर ध्यान से आप देखें, जैसे ये कार गुजरती है एक शख्स सड़क पर गिरता है। देखिए, इस दरमियान इसी शख्स को कुचल करके ये कार आगे बढ़ गई और ये शख्स इस वक्त आईसीयू में है। और ये सीसीटीवी की फुटेज, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी लेंगे सहयोगी अंकित से। अंकित, क्या हाल है अभी? जो शख्स जिसे चोटें आई हैं आईसीयू में है उसकी, और कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है प्रशासन की ओर से? जी देखिए, आपको बता दें कि ये मामला देर रात का मामला है, जहां पर किसी बात को लेकर दो गाड़ी भिड़ती हैं। उसके बाद जो कार चालक था वह उसको रोंदते हुए अपनी गाड़ी को लेकर फरार होता है, जिसके बाद ये पूरा वीडियो वायरल हुई है। और अब पुलिस का कहना है कि इसमें चार लोगों के नामजद जो है बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, साथ ही साथ जो युवक है जिसका एक्सीडेंट करा गया, उसकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। वह फिलहाल आईसीयू में भर्ती है और उसकी स्थिति शुरू कैसे हुआ ये विवाद, ये शख्स जानबूझ के इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है? जी देखिए, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो दो कार खड़ी हुई है और जो कार चालक थे, कहीं ना कहीं इनके आपस में कार टकराई थी, जिसके बाद जो कार चालक है वह बाहर निकल के दूसरे से जो है अपने जो कार में टक्कर लगी थी उसको कहीं ना कहीं जिसको बात कर रहा, जिसके बाद इन लोगों ने वहां से भागने का प्रयास किया और भागने के दौरान जो कार चालक है उसको ही उड़ा दिया। आपको बता दें, इसके बाद इतना ही नहीं, काफी समय तक जो घायल था वो लेटर है सड़क पर, जिसके बाद जो आसपास के लोग थे, राहगीर थे, उन्होंने अपनी कार रोक के उस युवक को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया था, क्योंकि काफी समय खून निकलने के बाद जो है उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है अभी। तो उसके बाद पुलिस ने आप कहीं सुबह जाकर मुकदमा दर्ज किया और पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी के आधार पर जो लोग थे उनकी शिनाख्त कर ली गई है और मुकदमा दर्ज जल्द ही गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। जान बूझ कर इस शख्स को हो धक्का देकर ये कार सवार फरार हुए थे। हालत नाजुक है, शख्स आईसीयू में है, पुलिस तलाश कर रही है कार सवार की।